हम झज्जर की प्राचीन रामलीला में खड़े हैं, जो मैं आपको बता दूं कि मुगल काल से ये रामलीला लगातार चलती आ रही है। इस मंच का जो प्रसारण है यहाँ पर पंडित दीवान के साथ में किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रावण तकरीबन 51 फुट और जो मेघनाथ और कुंभकर्ण है उनकी हाइट है 41 फुट, और ये मुगल काल से चलते आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं 250 साल से भी ज़्यादा का ये कहीं इनको समय हो चुका है। इनके प्रधान हमारे साथ हैं और भगवान श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, जो यहाँ किरदार ये लगातार जो निभा रहे हैं। उनसे हम सबसे पहले पूछेंगे, भगवान राम का जो किरदार होता है वो वाकई ही लोगों को एक प्रेरणादायक होता है, उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ आप लोगों ने की और कितने सालों से ये आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये हो गए हमके कम से कम 15-16 साल हमको करते करते हो गए। ये तो कहना चाहते हैं, ये धर्म से ही भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था वो धर्म के लिए हुआ था, और उन्होंने यही अपने किरदार से प्रेरणा दी थी कि व्यक्ति को, प्राणी को चलना चाहिए, अपने जो भी चल रहा है अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए चलना चाहिए। और रावण ने जो किया था वो पाप के विरुद्ध चला था, पाप के रास्ते पर चला था। रामचंद्र भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि वो पाप को त्याग करके धर्म की ओर, सत्य की तरफ चले। जी, वीर बजरंगी का किरदार एक बड़ा, वैसे भी हस्तपुष्ट हैं आप लोग, और बजरंगी को वैसे भी बड़ा हेल्थ कॉन्शियस माना जाता है, और इनके भक्त हैं आप, क्या कहेंगे जनाब जिस किरदार के लिए? आप कुछ भी दो शब्द आप कहें। बिल्कुल, छोटे भाई हैं आप इनके, छोटे भाई का एक आइडल आप ही से माना जाता है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी वाकई ही आजकल लोग मिसाल देते हैं। आजकल जहां भाई भाई का झगड़ा होता है, लेकिन राम ने जो लक्ष्मण का जो किरदार है वो वाकई ही, अगर राम की विजय हुई तो उसमें लक्ष्मण का अहम योगदान होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं जैसे लक्ष्मण कर रहा है अपने भाई के साथ ऐसे ही करें। जी जी बिल्कुल। पंडित जी, सबसे बड़ी बात है कि 250 साल पुरानी इस रामलीला का मंचन होता है, लोगों को जो मुगल काल में, और मैंने ये देखा है कि कोरोना काल में जो सब कुछ बंद हो चुका था उसके बाद भी ये सुचारू रूप से ही रही, और इस मंच को सजोने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन किरदारों को सजाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जी तोड़ करनी पड़ती है सभी को। जय सिया राम की पूरी कमेटी के सदस्य हैं, 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है, रात दिन लगे हुए हैं, जैसी व्यवस्था बनती है अच्छी से अच्छी करते हैं। जो राम सेवक हैं, जो श्रद्धा भाव से अपनी श्रद्धा भी लगाते हैं और योगदान भी देते हैं हर एक तरह का, कि पैसे का काम तो पैसे से चलता है, आदमी का काम आदमी से चलता है, और भाव का काम भाव से। सारा ये है कि दिल्ली के यहाँ के जो राम भगत हैं वहाँ भी कलेक्शन करके लानी पड़ती है, बहुत भारी योगदान रहता है। झज्जर वाले भी कोई तन का देता है, कोई मन का देता है, और पूरी टीम कोई 2 घंटे कोई 5 घंटे सोने का इतना ही रहता है, कि व्यवस्था इतनी बड़ी है कि किसी का एक दिन का ही फंक्शन हो उसमें कितना टाइम लग जाता है लोगों का, और ये तो 13 दिन का समय होता है। 21 आदमियों की टीम ये मथुरा से आई हुई है, ये सारा जो पूरे शहर के अंदर 3 सवारियां होती हैं, फिर रात तिलक होगा, फिर ये दहन का, फिर लीला दिखाते हैं सभी को बहुत प्यार से। रामलीला को नेचुरल बनाने के लिए आपने नौकायान भी किया, जो प्रशासन की कहीं ना कहीं अहम योगदान रहा। प्रशासन का तो बहुत विशेष योगदान रहा है शुरू दिन से आज तक, माननीय डीसी साहब, डीआरओ साहब और एसपी साहब, पूरा प्रशासन पूरे योगदान से, कोई एक चीज मांगते तो 10 चीज के लिए तैयार रहते हैं। सुबह से बैरिकेड वगैरह, यहाँ का भी दशहरे का भारी उत्सव था, भीड़ के कल शाम से ही पुतले जैसे लगाए गए थे, तो लोगों की भीड़ का जमावड़ा चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उधर से नो एंट्री कर दिया है, कि प्रशासन का बहुत भारी सहयोग है। पुतले कितने कितने हाइट पर रहेंगे? 51 फुट का, तो 41 फुट के हैं जी। ठीक है, पुरानी रामलीला का मंचन आप लोग करते हैं, उसका गवाह बनना बड़ा मतलब ऐतिहासिक होता है, क्या कहेंगे जनाब? हमारा तो मेन मकसद तो ये है जी कि आजकल की जो नई जनरेशन है ना, उनको जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, उनके सिद्धांत पर चलाएं किसी तरह, उनको हम ये संदेश दें कि जैसे भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा मान के 14 वर्ष का वनवास चले गए थे, राज गद्दी को भी त्याग दिया था, ऐसे ही बच्चे जो है अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें। जी जी, आप युवा भी हैं, जैसे उन्होंने बताया युवाओं के लिए एक आइडल है राम और लक्ष्मण, और आप उन किरदारों के साथ भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि 10-11 दिन आप लोग इनसे जुड़े होते हैं, कितना बदलाव देखते हैं अपने आप में?
न केवल राम और लक्ष्मण, मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, रामायण का हर पात्र एक संदेश दे रहा है यहाँ पर और हम उसी संदेश को प्रेषित कर रहे हैं जनता के बीच में। जैसे कल आपने देखा कि वीर बजरंगी ने पौधारोपण किया, कहा कि अशोक वाटिका उजाड़ने के बाद पौधारोपण, तो वो एक अच्छा संदेश गया। और श्री राम जी ने तो हर जगह विश्वास देखा, माता ने विश्वास देखा, शूर्पणखा जो थी वो राक्षसी निकली, जो मृग था जो वो सोने का था वहाँ भी अविश्वास था, लेकिन हर परिस्थिति में विश्वास देखा राम ने। और रीछ भालू और वानरों को लेकर जो उस सृष्टि का सबसे बड़ा जो योद्धा था उसको परास्त कर दिया, एक ही विश्वास ही था। और जब विश्वास होता है तो चारों तरफ की जो परिस्थितियाँ वो हनुमान बनकर भगवान श्री राम की तरफ के साथ उनका पूरा जो परिस्थितियाँ उनको काबू कर और विजय की तरफ अग्रसर होते हैं। यही संदेश हम जनता को देते हैं कि हर परिस्थिति में हमें विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी जनाब, और आज रावण दहन होगा। इस रावण दहन का हर साल तो होता है, लेकिन अपने अंदर की बुराई को किस तरह से मिटाया जाए, आप लोग लगातार 250 साल पुरानी रामलीला से जुड़े हैं, कई सालों से आप लोग भी इस किरदार में हैं, लगातार आप लोग इन लोगों से जुड़े हैं, लोगों को क्या मैसेज देंगे और अपनी रामलीला के बारे में कुछ बताएं? हमारी रामलीला तो वर्षक अथक प्रयत्न करती रहती है और इसका मेन लक्ष्य ये है कि जीवन के जो जितने भी स्टेज हैं प्रत्येक व्यक्ति की, उन सभी स्टेजों का चित्रण इस रामलीला में है। और समय समय पर जो समय के अनुसार जो गर्त पड़ जाती है वो मिटाने के लिए प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि सबको उस चरित्र चित्र याद रहे। और हमारा सबका यही प्रयास है कि भी जो मानव मूल्य हैं वो कायम रहे, और मानव मूल्य कायम रखने के लिए रामलीलाओं का आयोजन करना जरूरी है। इसलिए समाज वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग से प्रेरणा पाकर और हम प्रतिवर्ष इस आयोजन को करते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये जो वो चीज़ें हैं, और 51 फुट रावण की हाइट है जैसा उन्होंने बताया, और मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो हाइट है वो तकरीबन 41 फुट है। और उन्होंने बताया कि जो राम लक्ष्मण या अन्य जो भी किरदार होंगे, ये मथुरा की एक टीम है, 21 लोगों की ये टीम है, लगातार ये अथक प्रयास करती हैं। और एक युवा ने ये भी बताया था कि जो रामायण का जो भी किरदार है वाकई लोगों में मैसेज देता है, लोगों में जन जागृति पैदा करता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का एक मैसेज के साथ साथ राम के जो चरित्र का जो है, अगर आज के युवा राम और लक्ष्मण के चरित्र को अपने अंदर उतार ले तो जिस देश में जो बुराइयाँ हैं वो पूरी तरह से विराम होगी। लगातार भाई भाई का जो स्नेह और प्यार जो दिखाया गया है, जो बलिदान दिखाया गया है, वो वाकई अपने आप में एक सोचने वाली बात है। जो आज के समय में जहाँ भाई से भाई का झगड़ा होता है, राम और लक्ष्मण के अगर हम चरित्र को अपने अंदर उतार लें तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर से मुक्त होगी। शुक्रिया।